बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद होती है। सूरज गर्म तो जरूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप के सामने ऊंचा ना बोलो, वरना अल्लाह तुमको नीचा कर देगा। अगर तुम 70 साल तक तवाफे काबा करके उसकी नेकियां अपने माँ बाप को हदिया करते हो, तो तब भी उसे एक आंसू का बोझ हल्का नहीं कर सकते, जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे माँ बाप की आंख से गिरे। वो लफ्ज ढूंढ रहा था कांपते होंठों से, वो लफ्ज ढूंढ रहा था कांपते होंठों से, ज़ईफ बाप ने बेटे से बात करनी थी। स्याने कहते हैं कि अगर बेटियां ना होती तो बाप के जनाजे सन्नाटों में उठते। घर पे बाप की आवाज भी बड़ी नेमत है, और दरवाजे के बाहर बाप की जूतियों का अपना ही रोब है। जिंदगी और हालात जब कभी बहुत थका देते हैं, तो उस लम्हे बाबा की ये बात हिम्मत और हौसला बढ़ा देती है कि मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है। बाप के साये से बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है। बाबा, आपने देखा, आपकी गुड़िया अब दर्द छुपाना सीख गई। खटिया लोगों के असल चेहरे देखकर, मुनाफ़कत और दोगलापन देखकर पुरसुकून हो गई। उन्हें माफ करके अब दर्द में भी मुस्कुराना सीख गई। बाबा, आपने देखा, आपकी गुड़िया अब दर्द छुपाना सीख गई। बाप एक ऐसी किताब है जिस पर बहुत से तजर्बात तहरीर होते हैं, जो जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई करते हैं, इसलिए उसे अपने से कभी मत दूर करें। बाप एक दरख्त की मानिंद है, दरख्त खुद चलता है मगर दूसरों को साया देता है। माँ के पांव तले जन्नत है, लेकिन याद रखो, बाप की नाराजगी तुम्हें जहन्नुम में ना पहुंचा दे। बाप एक जिम्मेदार ड्राइवर है, जो घर की गाड़ी को अपने खून पसीने से चलाता है। बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, और बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ बाप है। अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। अपने बाप का एहतराम करो, ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे, और बाप की इज्जत करो ताकि इससे फैजियाब हो सको। जब कभी तुम्हें अपने बाप के साथ बैठना नसीब हो, तो अपने बाप की बातें गौर से सुनो, ताकि दुनिया वालों की न सुननी पड़े, और बाप के सामने नजरें झुका कर रखो, ताकि अल्लाह तुमको दुनिया में बुलंद कर दे। याद रखो कि बाप के आंसू तुम्हारे दुख से न गिरे, वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। बाप एक मुकद्दस मुहाफिज भी है, जो पूरे खानदान की निगरानी करता है। वालिद की सख्ती बर्दाश्त करो, ताकि बाकमाल हो सको, ताकि खुदा तुमको दुनिया में बुलंद करे। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट गए हैं। कयामत से कम नहीं होता वो दिन, जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर उनके वालिदैन का साया हमेशा सलामत रखे, आमीन। माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान है। वो कहने लगे, माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है, बाप के कदमों में क्या होता है? तो मैंने कहा कि बाप के कदमों में एक फटा हुआ जूता होता है, जो अपनी औलाद की खातिर रिस्क हलाल कमाते कमाते घिस जाता है।
माँ बाप की दुआएं तस्बीह के दानों की तरह होती हैं, जो अपने बच्चों के हक में हर वक्त हर पल तस्बीह के दानों की तरह चलती रहती है। अल्लाह पाक ये दुआ मांगने वाले हाथ हमेशा सलामत रखे, आमीन। एक बाप की फरियाद है कि कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर, कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर, मर जाऊंगा एक दिन, मर जाऊंगा एक दिन, चला जाऊंगा छोड़ कर तुझे, जो बची है जिंदगी लम्हे कुछ मेरे लिए भी रखा कर। कोशिश करो कि कभी बाप के आंसू तुम्हारे दुख से न गिरें, वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। जला के फेंक दो उन डिग्रियों को जो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से दूर ले जाएं। अपने बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। जिंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप है, और ये जिम्मेदारी बाप के सिवा कोई नहीं निभा सकता। बाप का हाथ अगर सर पर ना हो तो फिर पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, और जमाने की आंख कभी तभी पता चलता है। बाप की अपने बच्चों के हक में की गई दुआ सीधी अल्लाह पाक तक जाती है। वालिद एक किताब है जिस पर जिंदगी के तजर्बात तहरीर होते हैं। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। वालिद की मौत कमर तोड़ देती है, क्योंकि दुनिया में वही सबसे बड़ा आपका हामी होता है। एक उम्र अपने बेटों को उंगली थमाई फिर, एक उम्र अपने बेटों को उंगली थमाई फिर, बूढ़े ने एक दुकान से लाठी खरीद ली। कह रही है मुझे ये कल की बहू, आप मेरे मियां का खाते हैं। हजारों की कमाई है मगर सब भाड़ में जाए, हजारों की कमाई है मगर सब भाड़ में जाए, मुझे बाबा के हाथों एक 10 का नोट लेना है। लड़कियां सबसे ज्यादा अपने बाबा से इसलिए भी प्यार करती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि बाप दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह पाक सबके सरों पर बाप का साया हमेशा सलामत रखे, आमीन। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर के। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो, क्योंकि जिस दिन वो खामोश हो गए उस दिन तुम उनकी आवाज सुनने को तरस जाओगे। अल्लाह सबकी औलाद पर उनके माँ बाप का साया सलामत रखे, आमीन। लिखते लिखते कलम ही सूख गया, मेरे बाप की तारीफों का भी जवाब नहीं। अगर हो गोद माँ की तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं दिखते। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। मेरे कदम कैसे डगमगा सकते हैं, मुझे तो चलना मेरे बाबा ने सिखाया है। कदर कीजिए उन हाथों की जिन हाथों ने हमारी बुनियादें मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियां और तस्बीह पकड़ ली। कदर कीजिए अपने वालिदैन की, कदर कीजिए। जब रिस्क में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। एक मुद्दत से पुकारा नहीं बाबा कहकर, एक मुद्दत से पुकारा नहीं बाबा कहकर, एक मुद्दत से हुआ है ये लफ्ज रुखसत घर से, एक मुद्दत से हुआ है ये लफ्ज रुखसत घर से। या अल्लाह तू अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से
हमें इस हालत में दुनिया से उठाना कि हमारे माँ बाप हमसे राजी हों। आमीन सुम्मा आमीन।